नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। आज मैं जा रही हूँ लौकी कोफ्ता बनाने। तो लोग जो कि लंबे लौकी कोफ्ता बनाते हैं, और जो आज मैं बनाऊंगी वो है गोल लौकी का। बहुत ही टेस्टी है जो कि कोफ्ता बनता है गोल लौकी का। तो चलते हैं खेत से ताज़ा गोल लौकी को तोड़ते हैं। मेरे यहाँ गाँव में इसको कदुआ बोलते हैं, ऐसे तो लौकी ही कहा जाता है, लंबे वाले को भी और गोल वाले को भी, दोनों को लौकी कहा जाता है। तो चलते हैं लौकी को तोड़ते हैं। देखिए लौकी जो है, ये जो देखिए बहुत नरम नरम ये लौकी है, और इस समय ठंड के मौसम बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें फल लगे हुए हैं लौकी के। ये जो मैं कोफ्ता बनाऊंगी बहुत ही कम चीज़ें डालकर बनाऊंगी, बहुत आसानी से बनाऊंगी और बहुत जल्दी ही बन जाएगा। तो चलती हूँ मैं नरम लौकी को देखती हूँ। ऐसे तो जो बड़े वो भी नरम है और जो छोटे हैं लौकी ये भी नरम है, तो देखते जो बड़े लौकी उनको तोड़ती हूँ देखकर पहले। चलिए टैंक पे चढ़ते हैं और लौकी को तोड़ते हैं। तो देखिए इतना बड़ा लौकी है, देखिए एकदम नरम ही है। इसको मैं काट लेती हूँ, देखिए एकदम बहुत नरम है। और एक और देखिए काटते हैं, ये देखिए यहाँ पे कैठो है, यहाँ पे देखिए कैठो भी छोटे छोटे भी हैं। तो ये देखिए ये भी बहुत नरम है, इसको भी काट लूंगी। चलिए लौकी को हमने काम भर का ले लिया है, अब चलते हैं चूल्हे के पास लेके। चलिए देखिए गन्ना तोड़ लेते हैं बच्चों को चूने के लिए। यहाँ पे देखिए लौकी बहुत नरम है, तो इसको मैं इसका डंठल जो काट के डाल रही हूँ और इसको मैं काट लेती हूँ। पूरा ज्यादा ही हो जाएगा इसलिए आधा बनाऊंगी और आधा दाल में यूज कर लेंगे, चाहे सब्जी बना देंगे बाद में। इसमें देखिए कितना आसानी से नाखून धस जा रहा है और बहुत नरम है इसका छिलका भी, इसका छिलका उतार ले रहे हैं, काट दे रहे दो भाग अभी, ऐसे छिलने में आसानी रहेगा इस तरीके से। ये देखिए लौकी को हमने धो लिया है, अब इसको देखिए दो ऐसे भाग और कर ले रहे हैं, घिसने में आसानी रहेगा इस तरीके से। अब इसको देखिए हम घिस लेते हैं, देखिए तो पतले वाले से हम घिसेंगे, जितना ही बारीक रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ये तरीके देखिए हम घिस लेते हैं, यहाँ पे देखिए लौकी को मैंने घिस लिया है। और घिसने के बाद जानते हैं कि लौकी काली पड़ी जाती है, तो अभी मैंने इसका पानी नहीं छोड़ा है, अभी ऐसे ही रख देती हूँ। और इधर देखिए ग्रेवी के लिए मैंने टमाटर और प्याज और हरा मिर्च लहसुन अदरक का अभी पेस्ट भी बनाऊंगी, और साथ में धनिया भी लिया है। सबको काट कर पहले धो लेती हूँ मैं सभी चीजों को। चलिए देखिए सब धोने के बाद यहाँ पे मैं सब चीजों को काट के लहा रही हूँ। देखिए यहाँ प्याज का पीस कर पेस्ट बनाऊंगी, इधर टमाटर का, और इधर मैं कोफ्ते में डालने के लिए बारीक प्याज काटा है इसमें मिलाऊंगी अभी हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट ही बनाऊंगी। सभी चीज़ों को काट छट के पहले रख लेती हूँ मैं। कोफ्ते में देखिए हम कुछ स्पेशल करने वाले, तो इसमें देखिए मटर भी डालेंगे। मटर डालने से जो बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आता है और अच्छा भी लगता है। इस समय ठंड का मौसम चल रहा है तो मटर आसानी से मिल भी जा रहा है मार्केट में। चलिए चूल्हे में इनको जलाते हैं। चूल्हे कढ़ाई को चूल्हे पर रखते हैं, कढ़ाई गर्म होगी, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, कोफ्ता तलने के लिए तेल ज्यादा ही डालेंगे। यहाँ पे देखिए जो मैंने लौकी को घिसा था काफी सारा पानी छोड़ दिया, तो इसको हाथों से निचोड़ लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए बहुत पानी निकल रहा है। यहाँ पे देखिए लौकी को जो कि मैंने घिस लिया, इसका पानी निचोड़ के निकाल लिया है, और इसमें देखिए अब सभी चीजों को मिलाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बारीक प्याज काटा हुआ, इसको डाल लेती हूँ इसमें।
और हरी मिर्च भी डालूंगी, थोड़ा सा धनी पत्ती भी डाल देती हूँ, और डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा। अब डालते हैं इसमें बेसन, चलिए इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और यहाँ पे देखिए चटपटा चाट मसाला लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ, और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल लेती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने, काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डालती हूँ, और इसमें देखिए थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे मसल के, इससे जो कि सुगंध बहुत अच्छी आती है पकौड़े में, इसको डाल लेते हैं इस तरीके से। अभी नमक हम सबसे आखिरी में डालेंगे, नमक डालने से क्या होता है कि पानी जल्दी छोड़ने लगता है, सभी चीज़ों को मिलाने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे बाद में। इस तरीके से देखिए मिला लेते हैं अच्छे से। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, अब हम आखिरी में नमक डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार, हाथों में लेके डालेंगे तो उसे पता भी चलेगा सही से। इसमें डाल दिया नमक, अच्छे से मिला लेते हैं। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। इसको देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से गोल गोल घुमाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। चलिए अब एक एक करके हम डालते हैं, एक बार हाथों से अच्छी बराबर सेट करते हुए जाएंगे, तो इसके उठाते समय फिर चिपटा हो जाता है इस तरीके से। चलिए इसको धीरे धीरे पलटते हैं। फिर इसको हम पलट देते हैं और गोल्डन कलर आने तक धीमी आंच पे इसको पकाएंगे कि अंदर से जो कोफ्ते हमारे हैं अच्छे से पक जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारे पकौड़े थे कोफ्ते के सुनहरे कलर में आ गए, अच्छे से पक गए हैं। अब इसको मैं तेल में से छान के निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने मटर लिया है तो मटर को भी हम भून लेते हैं, तेल मैंने थोड़ा कम कर दिया है, इसमें डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए मटर को मैंने भून लिया है, अब इसको निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। अभी हम जब भूनेंगे ग्रेवी के साथ तो और भी मटर ये भून जाएगा, ऐसे पक गया है आप देख सकते हैं, फूट कर देखिए दाने से अलग हो गए हैं। इसमें देखिए तड़का लगाते हैं, तेज पत्ता डाल दिए हैं, और ये सूखा देखिए लाल मिर्च लिया है मैंने, ये डाल देते हैं, और जीरा डालेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए हींग लिया है, हींग को भी डाल देते हैं तड़का लगाते हैं। अब थोड़ा सा इसको लाल कर लेते हैं। चलिए तीखे के अनुसार देखिए हरी मिर्च जो मैंने काटा था इसको डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया था इसको भी डाल देंगे, इसको इसमें भून लेते हैं तड़के में। यहाँ पे देखिए तड़के को मैंने अच्छे से लाल कर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट को भी और मिर्च को भी साथ में। अब डालेंगे प्याज का पेस्ट पिसा हुआ, अच्छे से भून लेते हैं प्याज के पेस्ट को पहले। यहाँ देखिए प्याज के पेस्ट को मैंने अच्छे से भून लिया है, अब टमाटर के पेस्ट को इसमें डाल देती हूँ। उसमें डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, नमक डालने से जो कि टमाटर जल्दी पकेगा। टमाटर को देखिए हम लगातार चलाते हुए भून रहे हैं, तो इसमें डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। बहुत लोग क्या करते हैं इसमें दही और मलाई भी डालते हैं,
तो बिना दही और मलाई के हम बना रहे हैं, और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं अपने तीखे के अनुसार, और इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर 2 चम्मच। क्या होता है कि दही और मलाई लोग डालते हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, लेकिन बिना दही और मलाई के भी अगर आप बनाओगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो मटर मैंने भुना था थोड़ा बहुत जो कड़ा होगा अभी मटर, तो इसमें और भी पक जाएगा अच्छे से, तो इसी में डाल के टमाटर साथ ही भून लेंगे। अब साथ में हम टमाटर के पेस्ट को भी भून लेंगे और मटर को भी। अब अगर नहीं डालना चाहते हो दही अगर मलाई, तब भी जो है कोफ्ते जो है इसके ग्रेवी साथ बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत गाढ़ा भी बनता है। चलिए देखिए टमाटर को हमने अच्छे से भून लिया है साथ में मटर को भी। अब इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने पानी डाला था ग्रेवी में अच्छे से पक गया है। तो अब हम डाल देते हैं कोफ्ते को, एक एक करके कोफ्ते को सारे डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए कसूरी मेथी लिया है, इससे जो कि बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, उसको डाल देते हैं। और देखिए गरम मसाला भी डाल देते हैं ऊपर से। इसको मैं चला देती हूँ, थाली से ढक देंगे और इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे। चलिए 5 मिनट हो गए हैं सब्जी बन के, अब देखते हैं इधर कितना अच्छा कलर भी आ गया है हमारे कोफ्ते में और बहुत अच्छी महक भी आ रही है। ऊपर डाल लेते हैं धनिया पत्तियों को। सब्जी देखिए हमारी पक गई है, इसको चूल्हे पर से उतार लेते हैं। चलिए अब हम कोफ्ते की प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर डाल लेते हैं हरे धनिया की पत्तियों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लौकी कोफ्ते जो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं मटर के साथ, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो ये था मेरा देसी तरीके से लौकी कोफ्ते, जिसमें मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि लौकी कोफ्ते कैसे लगे। धन्यवाद।